दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं, पत्रकार मित्र भी खड़े हैं, और जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगस न हुआ। जरा देख लीजिए ये हम लोगों के यहां पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। भीम संवाद के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और मंच के संचालन कर रहे हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश त्यागी जी और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी। यहां भी आप लोगों के बीच में बोल चुके हैं और आपके बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी। यहां पर आप लोगों के यहां उपस्थित हुए हैं, हमारे आने के बहुत देर के बाद आए हैं माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। पहले आते तो भी भाषण देते तो इवे किए हैं बहुत देर से, इससे बड़ी देर से आए हैं, लेकिन आज जब हम यहां पर थे तो बिजेंद्र यादव जी बहुत पहले से यहां पर थे। अब उसके बाद यहां पर भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, वही सब आप लोगों के बीच में घूमे हैं और इन्होंने ही कहा कि एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, तो हमने कहा जरूर करिए। ताज इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं अशोक चौधरी को। यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के मंत्री भी श्री संजय झा जी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, अभी उन्होंने आपको पूरी बात की चर्चा की, और यहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग श्री जयंत राज जी, गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक सुमन जी, भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी, गया के माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी, और राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी, राज्य महिला आयोग के सदस्य श्री अरुण मांझी जी, जिला जनता दल यू अध्यक्ष मधेपुरा और माननीय पूर्व मंत्री श्री रमेश ऋषिदेव जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री भुवनेश्वर चौधरी जी, राज्य महादलित आयोग के सदस्य श्री ललन भुइया जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रभुनाथ राम जी, माननीय पूर्व विधायक श्री मनीष कुमार जी, सदस्य राज्य महादलित आयोग श्री राम नरेश राम जी, यहां उपस्थित अनेक विधायकगण, माननीय विधायकगण श्री पंकज मिश्रा जी, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, श्री निरंजन मेहता जी, श्री ललित मंडल जी, श्री मनोज यादव जी, श्री सिद्धार्थ कुमार जी, श्री विजय सिंह निषाद जी, राजीव कुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी, जनाब खालिद अनवर साहब, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, श्री संजय सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनुला देवी जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री सतीश कुमार जी,
और जनता दल यू के सभी कार्यकर्तागण भी कई मौजूद हैं, इंजीनियर सुनील कुमार जी, छोटू सिंह जी, ओम प्रकाश सेतु जी, नीतीश पटेल जी, चंदन सिंह जी, सायन कुणाल जी, रविंद्र पटेल जी, जितेंद्र कुमार जी, रंजीत कुमार झा जी और सभी यहां उपस्थित पदाधिकारीगण तथा मेरे साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथी और नेतागण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में 2 लाख से कम नहीं है, 2 लाख के करीब यहां उपस्थित सभी प्रिय साथियों, अभी तो इतनी बड़ी संख्या में आपको हम देख रहे हैं, हमको क्या पता था। तमाम इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा, हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे कितनी बड़ी संख्या में उधर से इधर आ रहे हैं और वो लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए था आपको, ये भी तो बड़ी जगह है। लेकिन हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में यहां के, आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में लोग नहीं मिले। तो आज तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहां सब उपस्थित हुए हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे, हम कि नहीं जरूर घूमिए, और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, ताजी का दिन तय हुआ, ताज का दिन इन्होंने तय किया, तो इसलिए हमको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए हम तो आपकी सेवा करते हैं, अब आपकी जब संख्या है उपस्थित है आपकी सेवा हम और करता रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पत्रकार मित्र भी खड़े हैं, और जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ, जरा देख लीजिए ये हम लोगों के यहां पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो आप सब लोग तो आ गए, बड़ी कृपा है, और हम अरे आप लोगों को तो बाध्य कर देगा कि ज्यादा मत चर्चा करो तो अलग बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति तो मेरा सम्मान है और इज्जत है, और जब उन लोगों से मुक्ति हो जाएगी तो फिर सारे पत्रकार लोगों का अधिकार वापिस आ जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर जो लिखते हैं सबके हित में, कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तत्काल चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं शुरू से ही जब हम देखते थे अखबार और सब कुछ और जरा सा भी कोई सूचना रहती थी उसी दिन हम पूरी चर्चा करते थे अधिकारियों से कि यहां पर क्या हुआ जी हमको बताओ। आप तो इतना बढ़िया काम करते रहे हैं लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है, आजकल तो दिल्ली वाले का चर्चा करने में आपका समय लग जा रहा है तो वही सब कर रहा है, छोड़िए ना। उसके बाद आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई हो या नहीं हो प्रचार, लेकिन जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब लोग साथ में है, हम सब लोगों के साथ में है और समाज के हर लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं। आज शुरू से जान रहे हैं जी इन लोगों को पहले कोई ध्यान दिया था तो हम ही लोगों ने तो सब काम शुरू कर दिया, और उस काम को शुरू करने के बाद लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कितना काम करवाए, और उसका फायदा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार चिंता आप लोग मत करिएगा,
अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और काम होना चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं और लोगों का जो और पता करना होगा और लोगों का काम करते रहेंगे, सबके हित में काम करते रहेंगे। इसलिए तो मेरा काम ही है, मेरा तो काम ही है सबके हित में। और भाई एक आध वो कोई कागज दिखा रहा है, एक आदमी जाके ले लो कागज, हम सब का कागज पढ़ेंगे और सब में कभी कोई किसी के इलाके में कोई चीज होगा उसको भी हम देखेंगे।